गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लेवल टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर सेशन नंबर 6 राइटिंग स्किल्स पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें हम होता क्या देखिए इसके बारे में सीखेंगे। राइटिंग स्किल्स आर पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, इंक्लूड ईमेल्स, लेटर, नोट्स, आर्टिकल्स, एसएमएस चैट, ब्लॉग सेक्टर। राइटिंग स्किल्स क्या होती है? लेखन की कला क्या होती है? एक तरह का वर्बल कम्युनिकेशन मौखिक संचार का एक भाग होता है, जिसमें क्या क्या शामिल होता है? ईमेल, लेटर, नोट्स, आर्टिकल्स, एसएमएस, चैट और ब्लॉग्स। इन ऑल दिस फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन वी यूज सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस अवर सेल्फ। इन सभी प्रकार के जो लेखन के संचार के जो रूप होते हैं, इनमें हम अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं वाक्यों के द्वारा, तो वाक्यों का प्रयोग करके व्यक्त कर सकते हैं। सेंटेंसेज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हेल्प टू क्लियरली प्रजेंट द मैसेज। सेंटेंस वाक्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मैसेज को एक साफ तरीके से प्रस्तुत करने में सहायता करता है। वी ऑल नो दैट ए सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट्स ए कम्प्लीट होल। यह हम सभी जानते हैं कि वाक्य शब्दों का एक ग्रुप होता है, तभी एक पूरा एक विचार बन पाता है। पूरा विचार के रूप में हम जब पूरा विचार बनेगा तभी हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करके वो विचार व्यक्त कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, पूजा गोज टू स्कूल, पूजा स्कूल जाती है। ऑन द अदर हैंड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स वी डज नॉट मेक कम्प्लीट सेंस इन नोन एज फ्रेसेस। जिसका अगर हम वाक्य में एक से ज़्यादा शब्दों को मिला दें लेकिन उनका कोई मीनिंग नहीं निकलता, अर्थ नहीं निकलता, तब तक वो एक कम्प्लीट सेंटेंस नहीं बन पाता है, उसको हम फ्रेज कहते हैं, उसको हम वाक्य फ्रेज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पूजा गोज, जैसे पूजा जाती है, ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर। जो एक सेंटेंस एक वाक्य होता है वो एक जो वाक्य का सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है, पहले वर्ड का, पहले शब्द का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है, कैपिटल होता है। एंड इज ऑलवेज एंड इज ए क्वेश्चन मार्क, और वाक्य क्वेश्चन मार्क के द्वारा ही एंड होता है, या फुल स्टॉप के द्वारा एंड होता है, या एक्सक्लेमेशन के द्वारा एंड होता है। डॉट के द्वारा, विस्मयादिबोधक चिन्ह के द्वारा। इन दिस सेशन वी विल कवर ऑल दिस टॉपिक इन डिटेल। आगे अब जो सेशन है उसमें हम ये सभी जो टॉपिक है, पार्ट है, उनको संक्षेप में पूरी तरह से उसका अध्ययन करेंगे। बट फर्स्ट रीड अलाउड द एग्जाम्पल बिलो। सबसे पहले पढ़ेंगे, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे उसी धमनी में। When will you complete your homework? आपने अपना होमवर्क कब समाप्त किया था? करोगे कब? करोगे अपना होमवर्क आप समाप्त? I completed it yesterday. मैंने कल पूरा किया था। That's good. बहुत अच्छा। Capitalization. Capitalization मतलब कैसे हम फर्स्ट लेटर कैपिटल में कैसे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी आती हैं वाक्य में फर्स्ट लेटर को कैपिटल करने में, या बीच में जो जो वर्ड है उनका जो फर्स्ट लेटर है तो पहला अक्षर है उसको कैपिटल करने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या रूल रेगुलेशन होते हैं। वी नो दैट ऑल सेंटेंस बिगिन विद कैपिटल लेटर। हमें पता है कि हर एक सेंटेंस का पहले शब्द का पहला अक्षर बड़ा होता है। हाउएवर, देर आर सर्टेन अदर पॉइंट्स, कुछ और बातों को भी ये करने के लिए कुछ और बातों को भी ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि टिंस। जैसे कि टिंस इज अ सेट ऑफ सिंपल रूल्स दैट हेल्प यू कैपिटलाइज वर्ड्स करेक्टली। एक टिंस नाम का शब्द है जो इस प्रकार के रूल को फॉलो करके यह कर सकते हैं। और टिंस को आगे अब इसका टेबल में अध्ययन करेंगे। कैपिटलाइजेशन रूल्स, कुछ कैपिटलाइजेशन रूल्स है टिंस के फॉर्म में, TINS। अल्फाबेट, व्हाट इट शोज, क्या दिखाता है? टाइटल, टी का मतलब टाइटल, यहाँ पे टाइटल है, जिन वाक्यों में टाइटल होता है उसका वर्ड का पहला अक्षर बड़ा होता है। कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन टाइटल यूज बिफोर पीपल नेम, जहाँ पे लोगों का नाम वाक्यों में प्रयोग किया जाता है उस पर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। और उदाहरण के लिए, डॉक्टर मलिक, मिस्टर पांडे वर इन्वाइटेड टू द पार्टी। डॉक्टर मलिक को पांडे को पार्टी के लिए इन्वाइटेड बुलाया गया था। जैसे डी आर का डी बड़ा है, एम आर का एम बड़ा है। आई वर्ड, आई का
कैपिटलाइज द लेटर आई व्हेन इट यूज एज ए वर्ड प्रोनाउन, जैसे संज्ञा स्थान पे इन शब्दों का प्रयोग किया उनको सर्वनाम बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। उन वाक्यों में सेंटेंसेस में जो पहला शब्द होता है आई, आई को कैपिटल रखा जाता है। ही सेड आई शुड अकॉम्पनी इन टू द मॉल, उसने कहा कि हमें उसमें मॉल में उसका साथ देना चाहिए। आगे एंड नेम्स है, जहाँ पे नेम नामों का प्रयोग किया जाता है वाक्यों में, वहाँ पे भी शब्दों का पहला अक्षर बड़ा होता है। कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन नेम्स ऑफ पीपल, जहाँ पे लोगों का नाम, स्थान, दिन और महीने आते हैं, वहाँ भी वर्ड का पहला अक्षर, शब्द का पहला अक्षर बड़ा होता है। द समर ब्रेक है स्टार्टिंग इज फ्राइडे दैट विल कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ जून, सुरेश इज प्लानिंग टू विजिट नेक्स्ट ईयर, जो गर्मियों की छुट्टियां हैं वो शुक्रवार से शुरू होने जा रही हैं और यह जून के अंत तक चलेंगी, जून के अंत तक रहेंगी, छुट्टियाँ जारी रहेंगी। सुरेश इज प्लानिंग टू विजिट लंदन नेक्स्ट ईयर, भाई सुरेश ने अगले साल लंदन जाने का विचार यह है, प्लान योजना बनाई है, योजना बना रहा है। अब सुरेश जो नाम है उसमें फर्स्ट लेटर सुरेश शब्द का पहला जो अक्षर है वो बड़ा है, एस बड़ा है, ऐसे ही लंदन का, लंदन वर्ड का जो पहला अक्षर है एल वो बड़ा है, इससे आपको पता लग जाएगा नेम्स में। एस यहाँ पे एस स्टार्टिंग लेटर और सेंटेंसेस, वाक्य का जो पहला शब्द का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, जैसे मैंने आपको बताया वही बताया हुआ है, द लिटिल गर्ल लॉस्ट हर बुक, छोटी लड़की ने अपनी किताब खो दी। आगे पंक्चुएशन है, जब विराम चिन्हों का प्रयोग, पंक्चुएशन मतलब विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे किसी, कौन कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग वाक्य के एंड में किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। सर्टेन सेट ऑफ मार्क्स, जब फुल स्टॉप हो गया, कॉमा हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क, बीच मार्क, बहुत चिन्ह स्टॉप डॉट कॉमा क्वेश्चन मार्क जो वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है वो आपके विराम चिन्ह होते हैं। आर यूज टू कम्बिनेशन सेपरेट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस फॉर बेटर क्लैरिटी, जिससे आप बेहतर तरीके से सेंटेंस को समझ पाते हो, किस प्रकार का सेंटेंस, सेंटेंस का पता लगता है तो इस सेंटेंस से किस बात का बोध हो रहा है। सम कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स रूल्स, कुछ विराम चिन्ह और उनके नियम नीचे टेबल में बताए गए हैं। तो फुल स्टॉप हो गया, वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। यूज एट द एंड ऑफ सेंटेंस, वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। यूज मीन शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग वर्ड, जैसे लंबे शब्दों को छोटे रूप में अगर आपने दिखाना है, उदाहरण के लिए उमर इज ए प्रोफेसर, उमर एक प्रोफेसर है, स्टूडेंट्स कॉलिंग प्रोफेसर, पी आर हुआ, डॉट लगा दिया, तो शॉर्ट फॉर्म हमने दिखाई है डॉट लगा के। ऐसे कोमा हो गया, यूज टू इंडिकेट ए पॉज इन द सेंटेंस, जैसे वाक्यों में एक ठहराव का संकेत करने के लिए कोमा का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग शब्द है, अलग अलग शब्दों को हमने दिखाना है सेंटेंस में, तो कोमा सेपरेट करके हम दिखा सकते हैं। और पोज का कारण बनता है जब बोला जाता है इन शब्दों को, तो एक पोज ठहराव होता है, ठहराव के द्वारा इन शब्दों को बोला जाता है। आफ्टर गेटिंग डाउन फ्रॉम द बस आई वॉक टुवर्ड माई स्कूल, मतलब बस से उतरने के बाद मैं स्कूल की तरफ गया, चलने लगा। द ग्रोसरी स्टोर हैड फ्रेश कीवी स्ट्रॉबेरीज मैंगोज, जो एक करियाने की दुकान है वहाँ पे फ्रेश कीवीज स्ट्रॉबेरीज मैंगोज, जब मैं कीवीज बोलने लगा तो कुछ ठहरा हुआ है, कुछ पोज आया, स्ट्रॉबेरीज मैंगोज, ठीक है, जो कंटिन्यूटी थी आगे, तो ग्रोसरी स्टोर फ्रेश था, उसके बाद कीवीज में पोज हुआ, उसके बाद स्ट्रॉबेरीज में मैंगोज में। ऐसे क्वेश्चन मार्क होता है, यूज टू एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के एंड में किया जाता है, क्वेश्चन पूछने के वेयर इज द बुक, किताब कहाँ है, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ प्रयोग किया जाता है, यूज एट द एंड ऑफ वर्ड, जो शब्दों के एंड में प्रयोग किया जाता है, इंडिकेटेड स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे कड़ी भावना को आपने उजागर करना है वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क प्रयोग किया, जैसे कि व्हाट इज ब्यूटीफुल ड्रेस, कितनी अच्छी सुंदर ड्रेस है, उड़ रहे वो बोल द मैच, वो हम तो मैच जीत गए, इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। आगे पोस्ट्रोफियस पोस्ट्रोफी कहाँ प्रयोग किया जाता है, यूज वर्ड बाय एन एस टू शो पोजेशन और बिलोंगिंग, जहाँ पे किसी शब्द से जैसे दैट शोभा कैट, यह शोभा की बिल्ली है, आर देयर हिम्स कलर पेंसिल से संबंधित कोई चीज हो उससे उसमें अपोस्ट्रोफियस का प्रयोग किया जाता है, जैसे शोभा कैट, शोभा की बिल्ली उससे संबंधित है, आर देयर रहीम्स
कलर पेंसिल जी रिम की कलर पेंसिल है को मूवी टुडे आज मूवी के लिए हम जाते हैं, शी इज नॉट कमिंग टू टुडे, वे आर स्कूल नहीं आ रही है। बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ भाषण के मुख्य भाग है, प्रमुख भाग है। द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट हाउ पर्टिकुलर वर्ड फंक्शन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकल सेंटेंस, क्या मतलब ये होता है, एक भाषण का हिस्सा इंगित करता है कि एक विशेष शब्द कैसे अर्थ के साथ साथ वाक्य के भीतर व्याकरणिक रूप से कार्य करता है। आगे इसको समझेंगे टेबल में, इसमें नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब्स, नाउन्स में क्या होता है, नेम प्लेस एनिमल थिंग, जहाँ पे नाम स्थान जानवर और चीज़ों के बारे में बताया जाता है, प्रोनाउन संज्ञा स्थान पे प्रयोग किया जाता है, पता ही है आपको, ही शी यू आई। एडजेक्टिव क्रिया जो विशेषण होता है आपका, एडजेक्टिव होती है विशेषता बताते हैं वाक्य में, जो शब्द विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, सोल्टी हो गया, नमकीन स्पाइसी मसालेदार एक्सेट्रा। वर्ब में क्रिया वाक, जैसे हम चलते हैं बोलने में चलने में जैसे क्रिया होती है, सेंटेंस में जो क्रिया हो रही है क्रिया के लिए जो शब्द प्रयोग किया जैसे वॉक टॉक वो आपका वर्ब में आता है। एडवर्ब क्रिया विशेषण होता है जो क्रिया की विशेषता को बताता है, जैसे स्लोली वो स्लो चलता है, वॉक स्लोली स्लोली वॉक क्विकली वो तेजी चलता है। आगे पार्ट ऑफ स्पीच को आगे थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है। नाउन पहले नाउन है आपका संज्ञा वर्ड्स नेमिंग वर्ड्स दैट रेफर टू ए पर्सन प्लेस और थिंग, जो किसी विचार चीज और स्थान और व्यक्ति से संबंध रखता है संबंधित होते हैं उनको नाउन बोला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कविता बोट ए बुक, कविता ए बुक, इसमें जो एक सेंटेंस है कविता बोट ए बुक, इसमें कविता और बुक क्या है नाउन है, तो कविता ने किताब खरीदी। आगे कुछ सिमिलर वर्ड्स दिए हुए कुछ कितना है कुछ शब्द दिए हुए जैसे टाइगर ट्रुथ इंडिया राज जनवरी, ये सारे आपके नाउन है। ऐसे प्रोनाउन जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं जो वर्ड यूनिक प्लेस ऑफ नाउन, कविता बॉट ए बुक, कविता ने बुक खरीदी, शी हैज ए ग्रेट बुक फॉर कलेक्शन, उसके बाद काफ़ी सारी किताबों का संग्रह है, शी इज यूज इन प्लेस ऑफ दैट नाउन कविता। अब शी का प्रयोग नाउन कविता, कविता के बजाय शी का प्रयोग किया जा रहा है सेंटेंस में वाक्य में, से मिलते जुलते शब्द आ गए हैं आपके आई यू दे अस शी ही। आगे आपका एडजेक्टिव विशेषण वर्ड दैट डिस्क्राइब अदर वर्ड्स, जो शब्द उदर शब्दों के बारे में वर्णन करते हैं, जैसे कविता बोट ए बेस्ट सेलिंग बुक, जो कविता किताब खरीद के लाई सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है, बेस्ट सेलिंग क्या हो गया, ऐसे बेस्ट सेलिंग एडजेक्टिव विशेषता हो गया, दैट डिस्क्राइब इन नाम बुक, जो बुक के बारे में बताता है। ऐसे लार्ज रेड नोटी वीक वन फुट एडजेक्टिव है। वर्ब वर्ब दैट थ्रो एक्शन, ऐसे शब्द जो एक्शन के बारे में बताते हैं कार्य के बारे में बताते हैं, कविता बाय से न्यू बुक एवरी मंथ, जो कविता है वह हर रोज एक नई किताब खरीदती है। अब बाय इज द वर्ब, जो बाय है वो वर्ब है क्रिया है, द टेल्स अबाउट कविता एक्शन, जो कविता के एक्शन के बारे में बताते हैं। इसमें और शब्द है आपके वर्ब में रन ईट सिंग सिट, एडवर्ब क्या आते हैं जो क्रिया विशेषता को बताते हैं, क्रिया विशेषण है वर्ड दैट एड मीनिंग टू वर्ब बाय आंसरिंग हाउ, तो मीनिंग ऐड कर देते हैं कैसे, हाउ ऑफन व्हेन कब और कहाँ, कविता क्विकली रीड हर बुक क्विकली टेल्स अस हाउ कविता एक्शन, मतलब कविता ने अपनी किताब बहुत जल्दी खरीदी, कविता क्विकली टेल्स अस हाउ कविता रीड द एक्शन, क्विकली जो बताता है कविता के बारे में कितना तेजी से, इजली ऑलवेज बिफोर फास्ट केस में लीजिए आपके कुछ एडवर्ब्स, दैट इज हाउ दिस वर्ड्स आर यू रीड अलाउड सेंटेंसेस को ऊंचे हम बोल सकते हैं। पूरे श्याम एंड हिज टीम वॉन द एक्साइटिंग मैच यस्टरडे, श्याम और उसकी टीम ने कल एक एक्साइटिंग मैच जीता, वी ऑलवेज नो द श्याम टीम और मैच अनाउ, उसमें अब इस सेंटेंस में वाक्य में तो श्याम टीम और मैच क्या है संज्ञा है, एक्साइटिंग एडजेक्टिव है विशेषता है विशेषण है, एक्साइटिंग इज एन एडजेक्टिव है बिकॉज इट डिस्क्राइब द नाउ, जो संज्ञा को बताता है जो संज्ञा की विशेषता को बताता है। द वर्ड वॉन इज अ वर्ब, जो इस वाक्य में जो वोन शब्द है क्रिया को बता रहा है, बिकॉज इट्स हाउ एक्शन एंड किस तरह से एक्शन आपका होना है इसमें सेंटेंस में उसकी क्रिया को बताता है। द वर्ड यस्टरडे इज एडवर्ब, जो यस्टरडे है वो एडवर्ब है, क्रिया की विशेषता को बता रहा है, वोन की विशेषता को यस्टरडे बता रहा है, बिकॉज इट डिस्क्राइब व्हेन दे वोन द मैच। बट वट अबाउट द रिमेनिंग वर्ड, जो बाकी जो शब्द बच गए सेंटेंस में उनका क्या, उनके बारे में देखेंगे, हुर्रे हो गया द एंड
अब ये सब कुछ सहायक शब्द होते हैं, सर सपोर्टिंग शब्द आर यूज टू जॉइन द मेन पार्ट ऑफ स्पीच टुगेदर, जो मुख्य भाषण के जो उनको जोड़ने का काम करते हैं, जो मुख्य सेंटेंस के अंदर जो शब्द उनको जोड़ने का काम करते हैं। आल्सो टू ऐड इन्फॉर्मेशन सेंटेंस और इन्फॉर्मेशन भी ऐड करते हैं। आगे कुछ सेंटेंस के बारे में सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच टाइप, कुछ भाषण के प्रकार, सहायक शब्दों प्रकार के बारे में देखेंगे। आर्टिकल्स हैं कंजक्शन प्रेपोजिशन इंटरजेक्ट, आर्टिकल्स ए एंड दी कंजक्शन एंड बट एक्सेट्रा प्रेपोजिशन इन ऑन एक्सेट्रा इंटरजेक्शन वाव ओ नो एक्सेट्रा, स्पॉटिंग पार्ट ऑफ स्पीच है आपके। अगर कुछ टेबल दी हुई है स्पॉटिंग पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में क्या आता है आपका ए एंड दी, ए एंड दी मतलब जनरली यूज बिफोर नाउन, क्यों नाउन से पहले इनका आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। एंड क्या होता है, एंड यूज बिफोर वर्ड्स विद इन वाउल साउंड, जहाँ जिस जिन शब्दों में वाउल साउंड निकलती है, स्वर की आवाज निकलती है, उससे पहले एन लगाता है। ए आई यू जिसे रूट पता होगा, लास्ट सेक्शन में हमने किया था। ए यूज बिफोर नाउन विद द कंसोनेंट साउंड, मतलब व्यंजन की साउंड आवाज, व्यंजन का स्वर आते हैं जहाँ पे जिन संज्ञा के साथ, नाउन्स के साथ वहाँ पे उसका उपयोग किया जाता है। द रेफर टू द स्पेसिफिक पर्टिकुलर वर्ड, जो उसमें स्पेसिफिक विशिष्ट और पर्टिकुलर वर्ड होता है, विशेष वर्ड, विशेष शब्द होता है, वहाँ पे द का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाओ द बॉय वाज टेकन बाय सरप्राइज बिकॉज ही सॉ अ बर्ड फ्लाइंग ओवर हिज हेड, उसमें लड़के को बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके ऊपर से एक पक्षी, अपने ऊपर से एक पक्षी जाते हुए देखा, बहुत आश्चर्य हुआ, आश्चर्यचकित हुआ वो। तो इसमें आर्टिकल्स में इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें दा, जैसे दा प्रयोग किया जा रहा है, इसके अंदर दा है, ए है, तो इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं भी आर्टिकल्स कैसे कैसे किस तरह से सेंटेंस प्रयोग किया गया है। ऐसे कंजक्शन है एंड बट बिकॉज जॉइंस टू नाउन्स फ्रेसिव सेंटेंसेस, दो नाउन्स को जोड़ने के लिए, फ्रेसिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंजक्शन पर वाओ द बॉय वाज टेकन बाय सरप्राइज बिकॉज, जैसे बिकॉज शब्द में प्रयोग किया गया है, ही सॉ अ बर्ड फ्लाइंग ओवर हिज हेड। ऐसे प्रेपोजिशन है आपका ऑन ओवर इन अंडर कनेक्ट्स वन वर्ड विद अनदर, यूजली आंसर द क्वेश्चन वेयर व्हेन हाउ, भाई दो वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए टू यूजली आंसर द क्वेश्चन वेयर व्हेन और हाउ, कहाँ कब और कैसे। वाओ द बॉय वाज टेकन बाय सरप्राइज ही सॉ अ बर्ड फ्लाइंग ओवर हिज हेड, सेंटेंस का मीनिंग समझते आपको समझ आ जाएगा कि कैसे प्रयोग किया गया है। ऐसे इंटरजेक्शन है आपका बाओ, जैसे बाओ, इसमें इंटरजेक्शन में बाओ शब्द प्रयोग, बाओ हेल्प एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग इमोशन, जहाँ पे कड़ा जो इमोशन आप प्रकट करते हो, सच्चा प्रसन्नता, हैरानी, दस्य दर्द के बारे में, जैसे बाओ, बाओ शब्द प्रयोग किया जा रहा है सेंटेंस में, वो आपका इंटरजेक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है।